नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज के इस नए वीडियो में। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं भारत के ऐसे ज़बरदस्त फैक्ट जिन्हें शायद ही आप जानते होंगे। भारत को जानने वाले और न जानने वाले इस बात से तो वाकिफ ही होते हैं कि भारत में कदम कदम पर अचंभे मौजूद होते हैं। ऐसे में हम आपको रूबरू करवा रहे हैं ऐसे ही कुछ ज़बरदस्त फैक्ट से जिन्हें आप शायद ही कभी जानते होंगे। भारत को किंवदंतियों और किस्से कहानियों का देश कहा जाता है, जहां एक बहुत पुरानी और प्रचलित कहावत है कि कोस कोस पर पानी बदले चार कोस पर बानी। भारत में इतनी संस्कृतियां और प्राकृतिक विविधताएं हैं कि सारी विविधताओं के बारे में बता पाना या लिख पाना संभव नहीं है। फिर भी हमने कोशिश की है कि हम आपको किस्तों में इन फैक्ट्स के बारे में जानकारी दे। भारत के मौजूदा समय के भूगोलिक और लोगों से जुड़े हुए फैक्ट्स लेकर आए हैं हम आज के इस वीडियो में। सबसे पहले नंबर पर आता है तैरता हुआ डाकघर। वैसे तो भारत में डाक का सबसे बड़ा नेटवर्क है, जहां पर 155,015 डाकघर हैं। एक अकेला डाकघर लगभग 7,175 लोगों की मदद के लिए तत्पर रहता है। देश के ऐसे डाकघरों में से एक डाकघर है श्रीनगर के डेल झील का डाकखाना, जो कि एक तैरता हुआ डाकघर है। इसकी शुरुआत साल 2011 में हुई थी। नंबर दो, कुंभ मेले की भीड़ अंतरिक्ष से भी देखी जा सकती है। साल 2011 में संगम के तट पर आयोजित कुंभ मेले में पूरी दुनिया की ऐसी भीड़ एकजुट हुई थी कि इस भीड़ को अंतरिक्ष से भी देखा गया था। नंबर तीन, दुनिया में सबसे अधिक बारिश वाली जगह भारत में मौजूद है। भारत के मेघालय प्रांत के खासी पहाड़ी पर स्थित मोसिनरामा नामक जगह, जहां पर इतनी बारिश होती है कि एक आदमी इसकी कल्पना भी नहीं कर सकता। इससे पहले यह रिकॉर्ड मेघालय के चेरापूंजी के नाम था। नंबर चार, बांद्रा वर्ली समुद्री जोड़ में पृथ्वी के व्यास के बराबर स्टील लगा है। इस पुल को बनाने में 2,57,00,000 मानवीय घंटे लगे हैं और इस पुल का कुल भार 50,000 अफ्रीकी हाथियों के बराबर है। यह मानव कला का एक बेजोड़ नमूना है। नंबर पाँच, दुनिया का सबसे ऊंचा क्रिकेट प्लेग्राउंड। हिमाचल के चायल क्षेत्र में स्थित यह क्रिकेट स्टेडियम दुनिया का सबसे ऊंचा क्रिकेट स्टेडियम है। इसे सन 1893 में बनाया गया था और 2,444 मीटर के एल्टीट्यूड पर यह पूरी दुनिया का सबसे ऊंचा क्रिकेट ग्राउंड है। नंबर छः, शैम्पू का आविष्कार भारत में हुआ था। लगता है कि आप इस फैक्ट को जानकर थोड़े अचंभित हुए होंगे कि पहले लोग मिट्टी से बाल धोने में यकीन रखते थे, मगर शैम्पू शब्द संस्कृत भाषा के चंपू शब्द से निकला है। चंपू का अभिप्राय मसाज से है। नंबर सात, भारत की राष्ट्रीय कबड्डी टीम ने सारे वर्ल्ड कप जीते हैं। वैसे तो भारत में अधिकतर लोग क्रिकेट के दीवाने हैं और वर्ल्ड कप का नाम आते ही क्रिकेट की याद आती है। हालांकि भारत के पुरुष व महिला कबड्डी टीम ने अब तक संपन्न सारे वर्ल्ड कपों को जीता है। नंबर आठ, चंद्रमा पर सबसे पहले भारत ने ही पानी की खोज की थी। यह बात है सितंबर 2009 की। भारत के चंद्रयान नामक सैटेलाइट ने चंद्रमा के मिनरोलॉजी मैपर की मदद से चंद्रमा की सतह पर पहली बार पानी की खोज की थी। नंबर नौ, स्विट्जरलैंड में साइंस डे भारत के पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम को समर्पित है। अब तो आपको समझ आ ही गया होगा कि कलाम साहब की इज्जत सिर्फ हमारे देश में ही नहीं है, बल्कि दुनिया भर में उनके दीवाने मौजूद हैं। 26 मई को वहां पर साइंस डे मनाया जाता है, क्योंकि 26 मई के दिन ही डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी ने स्विट्जरलैंड की यात्रा की थी। नंबर 10, भारत के पहले रॉकेट को साइकिल पर ले जाया गया था। भारत का पहला रॉकेट इतना हल्का था कि इसे लॉन्चिंग स्टेशन पर साइकिल के कैरियर पर रख कर ले जाया गया था। तो दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। ऐसी ही और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक भी कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।